क्या है मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपको हार्ट डिजीज में होने वाली तकलीफों को कम करता है। इसमें सबसे पहले आता है इमरजेंसी मेडिकल साइंस, जैसे कि स्टंट लगाना, ब्लूमिंग करना या फिर बाईपास सर्जरी करना। इसे ऐसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए कि आज मेरे साथ कोई इमरजेंसी हो जाती है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट्स के पास में मेडिकल साइंस में दूसरा ट्रीटमेंट है मेडिसिन्स का, और इसके अलावा तीसरा ट्रीटमेंट है ईईसीपी का, इनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इसे नेचुरल बाईपास भी कहा जाता है। इसे नेचुरल बाईपास क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे हार्ट के पैरेलल बहुत सारा ट्यूब होता है जो ऑलरेडी बोर्ड में हमें दे के रखा है, उसे इस मशीन के थ्रू स्टार्ट किया जाता है। ईईसीपी मशीन के अंदर पेशेंट को लिटाया जाता है और उसके पैरों को बांध दिया जाता है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड तीन तीन जैकेट्स लगे रहते हैं। आप ये समझिए, जब हमारा हार्ट ब्लड को पैरों की तरफ भेजता है और पैरों से ब्लड फिर हार्ट की तरफ जाता है, कि इसी भी ट्रीटमेंट कौन ले सकता है, जैसे कि आपको चलने में तकलीफ होना, सांस का फूलना या छाती में दर्द होना, या हार्ट अटैक के कारण आपका हार्ट का पंपिंग डाउन चला गया, या फिर आपकी हार्ट की नाड़ियों में चर्बी का जमा हो गया, जिसे मेडिकल साइंस में ब्लॉकेज कहा जाता है, वो सब लोग इस ट्रीटमेंट को ले सकते हैं। या फिर वो लोग जो कि स्टंट लगवा चुके हैं या बाईपास सर्जरी करवा चुके हैं लेकिन फिर भी उन्हें इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो लोग भी ईईसीपी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें दूसरा आता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, जैसे कोलेस्ट्रॉल को कम करना, ट्राइग्लिसराइड को कम करना, आपके बीपी एंड ब्लड शुगर को मेंटेन करना। आप ये समझिए कि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में कैसे बढ़ता है, इसके मेन सोर्सेज क्या है जो हम डेली रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, रेड मीट या फिर मीट का यूज़ करना, और ट्राइग्लिसराइड, वो जितने भी प्लांट्स ऑयल है वो हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड को बढ़ाते हैं। इसलिए हम हार्ट पेशेंट को जीरो ऑयल खाने के लिए रेकमेंड करते हैं, उन्हें बनाना भी सिखाते हैं। इसमें इसके अलावा आता है मेडिसिन का मैनेजमेंट, हम एलोपैथी मेडिसिन के साथ साथ होम्योपैथी मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा है साउल डिटॉक्स ट्रीटमेंट, डिटॉक्स ट्रीटमेंट के अंदर हम आपके ब्लॉकेजेस को सॉफ्टन करते हैं और वो बॉडी से निकलने में हेल्प करता है। आप हमसे जुड़िए, हम आपका 100% बिना सर्जरी के इलाज करेंगे और जो आपके लिए बेस्ट होगा वही ट्रीटमेंट हम आपके लिए करेंगे। आपको इसी वक्त बताना चाहता हूँ, देयर इज अ न्यू मशीन विच हैज कम विच कैन ओपन द कोलैटरल्स। देखिए कोलैटरल्स का क्या मतलब है, ये ब्लॉकेज है। बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, एक नई ट्यूब लगा देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो हार्ट की ये ब्रांच है और ये ब्रांच है, इनको जोड़ देते हैं आपस में, एंड देयर आर सो मेनी स्मॉल ट्यूब्स, जो इसको जुड़ जाए तो ब्लड यहां से आने लगे। ये जो छोटे छोटे ट्यूब है, ये मैंने बोला था स्पोर्ट्समैन चालू करके रखते हैं, और स्पोर्ट्समैन चालू कर दिया तो क्या हो गया, उसके पास दो सप्लाई हो गई, एक तो ये ओरिजिनल है और एक साइड वाली भी है। इसको बोलते हैं कोलैटरल। बैंक में आपने लोन लेते हुए देखा है कभी कोलैटरल्स बोलते हैं? कोलैटरल मतलब क्या, कि ये फेल हो जाए तो दूसरा कोई होना चाहिए। तो ये कोलैटरल्स भगवान ने हमें देके रखा है, ओरिजिनल तो था ही था, एक कोलैटरल भी देके रखा, कभी ये फेल हो जाए तो ये चालू करना। अच्छा, ये अगर चालू हो जाए बिना ऑपरेशन के तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड दिस इज अ न्यू मशीन, न्यू टेक्नोलॉजी विच हैज कम। देखिए हमारे मेडिकल साइंस की टेक्नोलॉजी बिना कांटे वाली टेक्नोलॉजी है। ये देखिए, ये ट्यूब्स हैं जिसमें कोई कोलैटरल्स चालू नहीं है, और ये है ट्यूब्स के सारे कोलैटरल्स चालू हो गए। आपको समझ आ रहा है डिफरेंस दोनों के अंदर? ये जो छोटे छोटे कोलैटरल्स है, ये हमारे सबके पास है, और एक मशीन से इसको या तो स्पोर्ट्स करके चालू कर सकते हैं या तो एक मशीन से चालू कर सकते हैं। ये मशीन क्या करती है सोचिए, ये जैकेट्स लगा दिया हमने कफ में, थाई में, बटक्स में, और सारे को एक साथ स्क्वीज कर दूं तो क्या होगा, इसकी ब्लड कहां जाएगी, बॉडी में ही रहेगी पर कहां जाएगी, ये हार्ट के तरफ जाके हार्ट के ट्यूब्स को धक्का देके प्रेशर देके इसको खोलेगी। ये प्रेशर एक एक घंटे तक, एक एक मिनट, इसको हार्ट के संग सिंक्रोनाइज करके दिया जाता है। सिंक्रोनाइज मतलब हार्ट जब पंप करे तो मशीन पंप नहीं करता है, जब हार्ट पंप करके रिलैक्स करने लगे, जब पूरे ब्लड वापस आती है, तब वो स्क्वीज करके सारे ब्लड को एक साथ भेजा जाता है। एंड दिस गोज ऑन, ईसीजी फीड होती है कंप्यूटर को, एंड दिस मशीन वी हैव सीन नाउ विदाउट बाईपास सर्जरी। आदमी बोलता है मुझे इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो विदाउट बाईपास दिस कैन वर्क वेरी वेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल बाईपास। नेचुरल बाईपास समझ रहे, भगवान ने ऑलरेडी नेचुरल बाईपास हमें दे के रखी है, स्पोर्ट्समैन चालू करके रखा है। तो आप हार्ट के पेशेंट हो, आप चालू करो, आपके पास कोलैटरल आ गई तो ओरिजिनल नहीं भी होगा तो भी काम चल जाएगी। और एक मैं जैसे ही, हाँ, एक और ट्रीटमेंट आई है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोकेमिकल क्लीनिंग। ये अभी बहुत अच्छी रिजल्ट आ सकती है, कुछ केमिकल अंदर डाल के ब्लड में
उसको अंदर से गला लिया जाए। जैसे किचन में आपने सुना नाली जाम हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ केमिकल डालते हैं अंदर से। तो ये केमिकल की भी ट्रीटमेंट आजकल चल रही है, बट अभी भी इसका रिजल्ट्स हर आदमी में सेम नहीं आता है, बट रिजल्ट्स आर स्टिल देयर। बहुत सारे ऐसे पेशेंट है जो 30-40% तक ब्लॉकेज इससे कम हो सकती है।